नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। देवास पहुंचे आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी। देवास की महापौर प्रत्याशी चाना ज्ञानेश के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। शहनाज हिंदुस्तानी ने देवास शहर के 3 स्थानों पर जनसभाएं की, जिसके बाद मीडिया से हुए मुखातिब। शहनाज ने कहा, हमें देवास की जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरी सीधी जनता से बात हो रही है। जनता का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं, अब हमको तीसरा विकल्प मिल गया है। देवास महापौर प्रत्याशी चाना ज्ञानेश को जनता का खूब आशीर्वाद मिल रहा है। अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों के मुकाबले में चाना ज्ञानेश पढ़ी लिखी होने के साथ साथ इंजीनियर है। साथ ही दिल्ली से आए स्टार प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी ने कहा कि दोनों पार्टी दोगली पार्टी हैं, दोनों ही पार्टी जनता के साथ छलावा करती है। कांग्रेस को लोग उम्मीदों से अपना वोट देते हैं और फिर कांग्रेस अपने 27 विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनवा देती है। हमारी पार्टी देश की ईमानदार पार्टी है, इसी बार लोग हम पर भरोसा करेंगे और अब की बार वोट आप आम आदमी पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू पर वोट देंगे। देवास की आम आदमी पार्टी से महापौर प्रत्याशी चाना ज्ञानेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत अच्छा जन आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। लोग भाजपा कांग्रेस से त्रस्त हैं, परेशान हैं। पिछले 3 साल से यह परिषद नहीं था, यहाँ विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए बजट आया लेकिन देवास विकास में नहीं लगे। साथ ही महापौर प्रत्याशी ने कहा कि मेरा मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है, कांग्रेस को तो हमने पंजाब में ही साफ कर दिया। अगर मैं देवास से महापौर का चुनाव जीती तो जो विकास दिल्ली में हुआ है, जो विकास पंजाब में हुआ है, उसके लिए मुझे एक मौका देवास के लिए जरूर मिलेगा।